नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सर विवियन रिचर्ड्स नाम ही काफी है। एक ऐसा बल्लेबाज जो च्युइंगम चबाकर बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी किया करता था और गेंदबाजों के लिए तो काल थे सर विवियन रिचर्ड्स। वैसा अंदाज और बैटिंग करने का स्टाइल फिर क्रिकेट कभी देख नहीं पाया। जब भी महान बल्लेबाजों का जिक्र होता है तो सर विवियन रिचर्ड्स को सबसे पहले रखा जाता है। ना तो उन्होंने 10,000 वनडे रन बनाए और ना ही टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी और अंदाज की वजह से सर विवियन रिचर्ड्स को बड़ा बल्लेबाज माना जाता रहा है। बड़े मैचों के प्लेयर थे जो अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखा करते थे। कैसा भी गेंदबाज है, सामने बस ले आओ, और सबकी धुनाई करते थे सर विवियन रिचर्ड्स। विंडीज के इस महान बल्लेबाज ने अपने करियर में कई शानदार पारियां खेली, पर एक पारी ऐसी थी जब उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। 31 मई 1984 का दिन, इसी दिन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रेफर्ड के मैदान पर नाबाद 189 रनों की पारी खेली थी। हैरानी की बात यह है कि सर विवियन रिचर्ड्स के अलावा सिर्फ एक बल्लेबाज ही दहाई अंकों का आंकड़ा छू सका, और वो भी गेंदबाज ने ऐसा किया था। हर कोई फ्लॉप और उस दिन सिर्फ विवियन रिचर्ड्स का बल्ला चला था। साल 1984 में वेस्टइंडीज के इंग्लैंड दौरे पर हुई वनडे सीरीज का पहला मैच मैनचेस्टर में खेला गया था। क्लाइव लॉयड की कप्तानी में मैदान पर उतरी वेस्टइंडीज टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इयान बोथम और बॉब विलिस की घातक गेंदबाजी के सामने विंडीज टीम ने 43 रनों पर अपने तीन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज खो दिए। इसके बाद आए रिचर्ड्स और उन्होंने 170 गेंदों पर 21 चौके और 5 छक्कों की मदद से 189 रन ठोक डाले। याद कीजिए, उस जमाने में 189 रन आज के हिसाब से तो 260 का आंकड़ा पार था, क्योंकि बिना हेलमेट और पावर प्ले के विवियन रिचर्ड्स ने उस दौर में 189 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के दिए 273 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 168 रनों पर ऑल आउट हो गई और विंडीज ने वो मुकाबला 104 रनों से जीत लिया था। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।